एक्शन, रोमांस, ड्रामा और कॉमेडी का फुल पैकेज। मूवी शोले को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। ये बॉलीवुड की एक ऐसी आइकॉनिक फिल्म है जो हमें फ्रेंडशिप, लव और फेथ के लेसन देती है। हे एवरीवन एंड वेलकम टू ग्लैमडिया। बीबीसी इंडिया ने शोले को यह 1999 में फिल्म ऑफ द मिलेनियम का टाइटल दिया था और इस मूवी में चाहे वो स्क्रीन प्ले हो, एक्टिंग हो, डायलॉग्स हो, ये सारे रीजंस हैं जिसके कारण इंडियंस विल पिक शोले एज देयर ऑल टाइम फेवरेट। हम सभी को ये चीजें पता है कि शोले स्टार्ड सम ऑफ द बिगेस्ट एक्टर्स ऑफ द 70s जैसे कि अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, संजीव कुमार, अमजद खान एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन शोले आपकी फेवरेट मूवी होने के बाद भी देर आर सम ऑफ द फैक्ट्स जिन पर शायद हमने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। इन टुडेज वीडियो हम आपको बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर मूवी शोले के कुछ ट्रिवियाज और अननोन फैक्ट्स बताने वाले हैं। दिस वीडियो बिलीव मी इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड फुल ऑफ नॉस्टैल्जिया। लेट्स स्टार्ट। मूवी शोले का स्क्रीन प्ले ओरिजिनली एक 4 लाइन का स्निपेट था जो कि राइटर्स सलीम और जावेद के द्वारा क्रिएट किया गया था। बहुत सारे फिल्म मेकर्स ने शोले की स्टोरी सुनकर इसे रिजेक्ट कर दिया था और बाद में इट वॉज एक्सेप्टेड बाय रमेश सिप्पी। शोले की शूटिंग में 2.5 ईयर का टाइम लगा था। मूवी की शूटिंग स्टार्ट हुई थी 2 अक्टूबर 1973 को और रिलीज हुई थी 15 अगस्त 1975 को। फिल्म का कॉस्ट ओवर बजट चला गया था और तो और मुंबई के मिनर्वा थिएटर में शोले बिना किसी इंटरप्शन के 5 साल तक लगी थी विद अ डिजिटली रिमास्टर्ड वर्जन इन 2004। गब्बर सिंह का कैरेक्टर एक रियल लाइफ कैरेक्टर से इंस्पायर्ड था। ये 1950s के दौरान ग्वालियर में असली में एक गब्बर सिंह नाम का डिकॉय था जो पुलिसमैन के नाक और कान काट दिया करता था। गब्बर सिंह के कैरेक्टर के लिए डैनी डेंजोंगपा फर्स्ट चॉइस थे। स्क्रिप्ट राइटर जावेद अख्तर को अमजद खान की वॉइस अच्छी नहीं लग रही थी इसलिए वो ऑलमोस्ट मूवी से हटा दिए गए थे, लेकिन अल्टीमेटली अमजद वॉज चूजन एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। शत्रुघ्न सिन्हा को जय के रोल के लिए कंसीडर किया गया था और धर्मेंद्र ठाकुर का रोल प्ले करना चाहते थे, लेकिन वो कहते हैं ना, प्यार हमसे वो चीजें करवा देता है जो हम कभी करना ही नहीं चाहते। जब धर्मेंद्र को ये पता चला कि अगर वो वीरू का रोल प्ले करते हैं तो ही बी पेयर्ड विद हेमा मालिनी, उन्होंने वीरू के कैरेक्टर को प्ले करने के लिए हाँ बोल दी। सलीम खान चाहते थे कि ठाकुर का रोल दिलीप कुमार प्ले करें, लेकिन दिलीप कुमार ने ये ऑफर को मना कर दिया था क्योंकि स्क्रिप्ट में ठाकुर के कैरेक्टर के लिमिटेड रोल्स थे। धर्मेंद्र का प्यार फॉर हेमा मालिनी वॉज एविडेंट थ्रू आउट दी फिल्म एंड दिस ट्रिविया इज वन ऑफ माई फेवरेट। शोले की शूटिंग के टाइम पर धर्मेंद्र जो कि स्पॉट बॉयज हुआ करते हैं उनको पे किया करते थे हेमा मालिनी के उनके साथ वाले सीन्स को बिगाड़ने के लिए ताकि उन सीन्स को रीटेक किया जा सके और उन्हें हेमा के साथ और टाइम मिल सके। हाउ क्यूट। अमिताभ बच्चन और जया बच्चन ने शादी कर ली थी 4 मंथ्स बिफोर द फिल्म वेंट ऑन द फ्लोर्स। फिल्मिंग के टाइम पर जया प्रेग्नेंट थी जिसके कारण शूट्स कई बार डिले भी हुए थे। मैकमोहन के कैरेक्टर सांभा की पूरी मूवी में एक ही लाइन थी, लेकिन उस एक लाइन से इन्होंने लोगों के दिलों में इररिप्लेसेबल जगह बनाई। शोले के कुछ कुछ कैरेक्टर्स सलीम जावेद के रियल लाइफ फ्रेंड्स पर बेस्ड हैं, जैसे कि जगदीप का कैरेक्टर सूरमा भोपाली रियल लाइफ पर्सन सूरमा पर बेस्ड है जो कि भोपाल से एक फॉरेस्ट ऑफिसर थे एंड एन एक्वेंटेंस ऑफ जगदीप। ऐसे ही जय और वीरू के कैरेक्टर को नाम दिया गया फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर सलीम खान के कॉलेज फ्रेंड्स वीरेंद्र सिंह ब्यास और जय सिंह राव के ऊपर। कैरेक्टर्स ही नहीं बल्कि शोले का वो एक कॉमेडी सीन जहां अमिताभ बच्चन बसंती की मदर से मिलते हैं अपने फ्रेंड वीरू की शादी की बात करने के लिए, ये राइटर सलीम खान और हनी ईरानी की मदर के बीच के कॉन्वर्जेशन के रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर होकर लिया गया था, जहां सलीम ने जावेद अख्तर के लिए हनी ईरानी की मॉम से बात की थी। सेंसर बोर्ड ऑफ इंडिया ने शोले के मेकर्स को एंडिंग सीन रीशूट करने को कहा था क्योंकि उन्हें वो सीन एक्सट्रीमली वायलेंट लगा था। इट्स ओरिजिनल एंडिंग शोड गब्बर बीइंग किल्ड बाय ठाकुर एंड द एडिटेड वर्जन वाज शोन टू द ऑडियंस फॉर द फर्स्ट 15 इयर्स आफ्टर इट्स रिलीज। शोले को बॉलीवुड की बेस्ट फिल्म कहा जाता है, लेकिन इसके बाद भी इट वन ओनली 1 फिल्म फेयर अवार्ड फॉर द बेस्ट एडिटिंग। शोले पहली ऐसी हिंदी फिल्म
थी ऑन 70mm एंड द फर्स्ट टू बी मेड विद स्टीरोफोनिक साउंड एज वेल। फिल्म की शूटिंग कर्नाटका के रामनगर में हुई थी जो बैंगलोर से 50 किलोमीटर दूरी पर है। वो जगह आज भी रामगढ़ के नाम से जानी जाती है एज मेंशन्ड इन द फिल्म। यहाँ तक कि उस एरिया के अराउंड जो भी रॉक्स हैं उन्हें शोले रॉक्स कहा जाता है और ये अट्रैक्शन बन चुका है। शोले के लिए ऐसा कहा जाता है कि इस जैसी मूवी बॉलीवुड में ना बनी है और ना ही दोबारा कभी बन सकती है। इट्स इंडीड द वन एंड द ओनली। तो दीज वर सम इंटरेस्टिंग एंड अननोन फैक्ट्स अबाउट शोले। बाय द वे, हमारे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं कि आपने शोले कितनी बार देखी है, क्योंकि इसके बाद आपकी काउंटिंग हमें ये बता देगी कि आप आइकॉनिक मूवी शोले के कितने बड़े फैन हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल ग्लैमडिया, हिट द बेल आइकन एंड सेलेक्ट ऑल। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।